साइड में ठीक है सर, कैंडिडेट छोटू अब क्या करें? अटक गई तो अटक गई। अरे
तंग मत कर मुझे। कर क्या रहे हो? अरे देख, मेरा निशाना लगा रहा है। अच्छा, अगर इतनी हिम्मत है ना तो आम दिख रहा है ना, उसको तोड़ के दिखा। वो वाला अभी दे। ये मैंने आम तोड़ दिया। आम तोड़ दिया? कभी आपने सोचा, मौसम बदल रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, न जाने आए दिन जानवरों की कई प्रजातियां, क्या हम इस पर्यावरण, इस प्रकृति, इन पेड़ों के महत्व को भूल चुके हैं? क्या हम ये भूल चुके हैं कि ये वही है जो हमें जन्म देती है, ये वही है जो हमें पोषण देती है? ध्यान रखिए, केवल भूलिए कि जिनकी उपस्थिति जीवन है, उनका न होना मृत्यु। अरे नहीं पूछना के बेटी का ब्याह रहा वही में 25 को रसगुल्ला बुलाओ पनीर की तरकारी चबा के खा लेनी हो वही से ज्यादा देर सुत रहनी और जो कहिया में डाल बोड़िया रहल लूनो कितना स्वादिष्ट रहल हां भैया बड़ा स्वादिष्ट रहल हम तो खइबो कहीं नहीं है चार को घर के लइको यो अरे चलना डाल दे तो लूंगी हो जाई हो बैठा हो बड़का भैया बोला हो एक बात कह कर लो हां हां कहो ना अरे ये की गंगा किनारे देखो मोना अपने बेटी के सब मरला के समान गंगे जी में भाषा था आओ देखा पनीर के तरकारी कटिया के भोज के तरकारी झीले तक घाट के बरसत नहीं देला था गंगा माई के दूषित करा था हम सुना जा पहले आउट का अखबार को का पढ़ क्या बंधु गंगा जी में प्रदूषण अपना बढ़ गई बा हम का सही कह सही कह हम सुन ली देख रहे हैं इन सबका दोगलापन अरे धीर और दूसरी तरफ गंगा को कैसे साफ रखना है इसका ज्ञान दे रहे हैं ए रवा उठी उठी हमार हो गई बैठ 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 गाइवा के दुहे के बाहो चल चल उठी 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 चल 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 उठी मैं आ जाए पानी से घर पे निकले क्या रहुआ लोग न सुधारवा ना जब सरकार बरखान के घर घर में शौच के निर्माण करावे दिया तो तू रहुआ लोग के बाहर जाए का जरूरत बा अरे नहीं पूछे साहेब बाहर शौच करे के ना आनंद में अलग चार दीवार में तो दो घुटे कौन करेगा हमारे बात के ध्यान सुना गंगा किनारे शौच कैसे कितना गंदगी फैलता पूरा घाट गंदा हो जाएगा गंगा किनारे
गंगा जेकर उहे घाट पर घाट जैसे महान पर होला का उहे घाट जेकरा पर सूर्य देवता के आर्त देव जायला उहे घाट के तोनी गंदा करत बानी सब। साहेब हम अकेले थोड़ी ना है, वो जो कल रात में मोहनवा के बेटी का शादी था ओकरो सब मरवा के सब आना गोश के सब तरकारी जेके उहे गंगा में परवाई है। उहे उहे बाबू देख ली बाबू आदमी प्लास्टिक के बानी सब ए गंगा ई सब का समझी जोर पानी के दूषित करने मतलब अपन शरीर के दूषित कर ले वाले पूरे दूषित पानी से खेत में सिंचाई करी पानी की गुणवत्ता कम होने कारण फसल में पानी ज्यादा लगे पूरे दूषित पानी से पान पर दिक्कत लोग के कारण कम हो गया सर हो जाएगा पानी के जो खाते पानी सर बस लाइट है। आप एक ने 1,00,000 टका की बात करी। हां सर भूल चूक बात करी सर गलती होगी सुनो गंगा, दो अक्षर का शब्द नहीं हम सब के लिए एक मन वो मन जिसके उच्चारण मात्र से मन काशी हुआ गंगा का वो जल जो कईयों के छत को पार लगाता है वो जल जो सुर को अर्घ बना मनन चढ़ाता है वो जल जिसके बिना पूजा का हर हर अधूरा है वो जल जो मृदाशय में बने मोटे को मुक्त कराता है वही जल जो खेतों को बीज में अन्न दिलाता है हाँ हाँ वही जल जो चिड़िया खेलों का स्वाद बढ़ाता है वही जल जिसमें तरबूजे ककड़ियाँ प्राण पाती है वही जल जिसमें जल जीवन फूलता है हाँ हाँ वही जल जिसमें बिहार का अभिमान होता है उसी जल को दूषित करना चाहते हो या तनिक भी पानी नहीं बचा जीवन दिया उसी को मानना चाहते हो आइए आज हम सब मिलकर ये प्रण लें कि जिसने हमारे पीढ़ियों को सींचा है उसे हम अपना अभिमान बना लेंगे। अभिमान बना अपने फेफड़े तो जला ही रहे हो दूसरे के तो छोड़ इससे
वाला कौन सा आसमान काला पड़ रहा है? इतना तो चलता है, इतना तो चलता है। अरे छोटू अंदर से कूड़ा ले आ। जी सर जी लाया। और माचिस भी लेते हैं यो। जी। अरे ये तो पेपर है, वो कल वाले सारे मार का प्लास्टिक लेते हैं। लाता हूँ मालिक। कैसे है सब? बढ़िया है रीमा जी, अपना क्या है, धंधा चंगा तो कटौती में गंगा। अरे वाह, आज सफाई चल रही है। क्या करूँ रीमा जी, हफ्ते भर से समय नहीं मिल पा रहा था, आज सोचा साफ सफाई कर ली जाए। कूड़ा और ये माचिस। अरे अरे क्या कर रहे हो? कूड़े को आग लगा दे रहा हूँ और क्या। किसानों की पराली जलाना खत्म न था, जो कूड़ा भी जला रहे उसमें भी प्लास्टिक, पूरे मोहल्ले को धुआं धुआं करना है क्या? मैडम जी पराली क्या होता है? अरे छोटू पराली फसल के अवशेषों को कहते हैं, जो फसल काटने के बाद बच जाती है। आप बेकार में परेशान हो रही रीमा जी, एक के जलाने से क्या होगा, इतना तो चलता है, इतना तो चलता है। देखा आप सभी ने कैसे ये समाज जानबूझकर खुद तो मर ही रहा है, साथ में अपनी आने वाली पीढ़ियों की, अपनी सारी पीढ़ियों की चिता भी सजाए बैठा है। क्या आपने पहचाने अपने किरदार? कहीं आप वो तो नहीं जो पेड़ों को काट जंगल उजाड़ रहे हैं? क्या आप वो जो शौकिया सोच कर घाटों और नदियों में प्रदूषण फैला रहे हैं? या वो तो नहीं जो नदियों में कूड़ा फेंक रहे हैं? या वो जो प्लास्टिक जला मोहल्ले को धुआं धुआं कर रहे हैं? जो हवा मिट्टी और पानी जिससे जीवन है उसमें जहर क्यों घोल रहे हैं आप? लेकिन अभी वक्त है भाइयों, हम अपनी जर्नी को बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसे संभाल जरूर सकते हैं। यूरिया जैसे रासायनिक खादों के प्रयोग से खराब हो रही है, उसे जैविक खादों का इस्तेमाल कर फिर से जीवित कर सकते हैं। प्लास्टिक की थैलियों की जगह हम कपड़े की थैला बझोला इस्तेमाल कर सकते हैं। शौकिया सोच के लिए बाहर ना जाए, शौचालय का इस्तेमाल करें और जितना हो सके सार्वजनिक वाहन जैसे बस व ऑटो का इस्तेमाल करें। कूड़ा न चलाए ना ही पानी में फेंके, उसे कूड़ेदान में डालें। बेवजह गाड़ियों को हॉर्न ना बजाएं। तो आइए इस पर्यावरण दिवस पर हम अपने आप को और अपने आने वाली पीढ़ियों को कर लेते हैं कि एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य देंगे। धन्यवाद। Yeah.
धन्यवाद आप सबका।